हेलो हाय एंड वेलकम टू एवरीवन। कमल की तरफ से सभी को नमस्कार। इंडियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस नए वीडियो के अंदर हम मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, जिसको हम राय स्पोर्ट्स स्कूल के नाम से भी जानते हैं, राय उस जगह का नाम है जहाँ पर ये स्कूल बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम है जो राय स्पोर्ट्स स्कूल भी पड़ गया है। सोनीपत से आप दिल्ली की तरफ जब वाया रोड चलते हैं तो ऑन द रोड ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पर ये स्कूल मिल जाएगा। बहुत बड़ा एरिया इस स्कूल ने एक्वायर किया हुआ है। यहाँ पर अपने कई सारे जो स्टेडियम बने हुए हैं स्कूल के अंदर ही, स्पोर्ट्स के साथ साथ इस स्कूल के अंदर बच्चे की शिक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। सब कुछ मैं अगले वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि कल यहाँ पर बच्चों का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, तो ये जो स्कूल है ये एकदम चर्चा में आ गया, क्योंकि पहले जो इसका टेस्ट होने वाला था वो कैंसल कर दिया गया था। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पहले होने वाला था, परंतु किसान आंदोलन के कारण, कोविड-19 के कारण जो इसका टेस्ट है वो कैंसल कर दिया गया था, और अब जो इसका टेस्ट है वो कल की डेट में होने वाला है। तो मैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, वहां पर आप कैसे जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, और साथ में आपको कपड़े क्या लेकर जाने हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक कपड़ों की किट लेकर जानी है, तो मैं वो उसके अंदर आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा हम बिजी शेड्यूल के कारण ये वीडियो बनाने में लेट हो गए हैं। ये 2-3 दिन पहले हमें ये वीडियो बना देना चाहिए था, पर बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल के कारण हम ये वीडियो नहीं लेकर आ पाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ, और आने वाले समय के अंदर इस स्कूल के अंदर एडमिशन कैसे होता है, किस एज के बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं, किस क्लास में एडमिशन होता है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर वो वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में सब्सक्राइब के बटन के साथ आपको बेल आइकन का बटन मिलेगा, उसको जरूर प्रेस करें। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और ऐसी वैल्यूएबल जो वीडियोस हैं आप अपने बच्चे को दिखा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा के साथ साथ अपने स्पोर्ट्स पर भी ध्यान देते हैं। पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो बच्चे की शिक्षा के लेकर बहुत ज्यादा जो अवेयर रहते हैं, और उनके स्पोर्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर रहते हैं। तो ऐसा स्कूल आपको मिल जाए जिसमें कि बच्चे के स्पोर्ट्स के साथ साथ उसकी शिक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है, तो बहुत अच्छा बच्चे का करियर है जो यहाँ पर बनता है। इस स्कूल ने बहुत सारे जो इंटरनेशनल खिलाड़ी भी दिए हैं, और इसका बहुत अच्छा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इन सब के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और इस वीडियो के लिए मैंने 50 टू 100 लाइक्स का मैंने यहाँ पर टारगेट बनाया है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी एनकरेजमेंट मिले और हम जल्दी आपके लिए इस स्कूल के बारे में डिटेल वीडियो लेकर आएं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ आज आपने एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और उसमें इंस्ट्रक्शन क्या क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होगा वो भी मैं इसके अंदर वीडियो के अंदर आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ऊपर देख सकते हैं, ये मिलेगा आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड का। यहीं पर आप प्रोस्पेक्टस, जो 2021-22 का प्रोस्पेक्टस है, इस साल का ही प्रोस्पेक्टस है, यहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सैंपल पेपर फॉर दी 4th क्लास, और जो पैरामीटर है बच्चे का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, और साथ में कितने बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया था इस साल वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं अभी सब कुछ आपको यहाँ पर डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। जैसे मैं प्रोस्पेक्टस भी यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, मैंने यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। एडमिट कार्ड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक ऐसी विंडो आपके सामने खुलकर आएगी। यहाँ पर आपको बच्चे का जो ईमेल आईडी, या फिर जिसने भी रजिस्ट्रेशन बच्चे का किया है वो अपना ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, पासवर्ड या फिर डेट ऑफ बर्थ दोनों से आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी ये सब कुछ पहले ही डाल के रखा हुआ है, हम अपने बच्चे का यहाँ पर आपको जो पर्सनल डिटेल है वो नहीं दिखाना चाहते हैं, बच्चे की आइडेंटिटी या डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, तो मैंने ये ब्लैंक छोड़ दिया है। मैं नेक्स्ट उसके अंदर दिखाता हूँ कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है आपको। तो यहाँ देख सकते हैं, ये मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल का ऊपर आप टैग, ऊपर नाम और जो उनका लोगो है वो देख सकते हैं। ये बच्चे की पर्सनल डिटेल है, मैं इन सबको हाइड करने वाला हूँ, हम बच्चे की जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक ऐसा पेज आपके सामने खुलकर आएगा, यहाँ पर बच्चे का एडमिट कार्ड जिसमें कि बच्चे के डेट ऑफ एग्जाम देख सकते हैं कि कल की डेट है ये, और यहाँ पर बच्चे का रोल नंबर, बच्चे का नाम और ये पूरी डिटेल जो उसकी पर्सनल डिटेल है, मैं यहाँ पर सब कुछ हाइड करने वाला हूँ। बच्चे की फोटो भी यहाँ पर मैं हाइड करने वाला हूँ। तो नीचे की तरफ एक आपको इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगी, मैं
आज इसके ऊपर जो आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या है जो कैंडिडेट को वहां पर लेके जाना है। तो इंस्ट्रक्शन का ये पेज है, आप देख सकते हैं। ऑल पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग देयर वर्ड्स ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट। तो बच्चे को जो टाइम पर वहां पर पहुंच जाना है, जो एडमिट कार्ड में शेड्यूल दिया है उसके अकॉर्डिंग वहां पर पहुंच जाना है। राइज स्पोर्ट्स स्कूल पर अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप दिल्ली पहुंच सकते हैं या फिर सोनीपत पहुंच सकते हैं। दिल्ली पहुंचेंगे तब भी आप यहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं और सोनीपत पहुंचेंगे तब भी आप आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आपको लोकेशन ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हम आपको एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ की बता देंगे। तो नीचे जो सेकंड उसमें देख सकते हैं आप कि 8 बजे वहां पर सुबह पहुंच जाना है एडमिट कार्ड के साथ, और कलर्ड एडमिट कार्ड होना चाहिए बच्चे का। कलर मतलब जैसा ये है वैसे ही प्रिंट आउट निकलवाएं, ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पर प्रिंट आउट आपने नहीं निकलवाना है। और पेरेंट्स को अलाउड नहीं किया जाएगा बच्चों कैंपस के अंदर, वहां पर जो जिन बच्चों का टेस्ट है सिर्फ उन्हीं को अंदर लिया जाएगा, बाकी पेरेंट्स को स्कूल कैंपस से बाहर वहां पर वेट करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चे को सिर्फ आप गेट तक ही ले जा सकते हैं, उसके बाद आपको जो मेन गेट से बाहर जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ जो मेन चीज है, ये तो वैसे बहुत सारी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है पर मैं आपको मेन चीज बता देता हूँ। आपको बच्चे की जो शॉर्ट्स लेकर जानी है, निक्कर लेकर जानी है, टी शर्ट लेकर जानी है और पीटी शूज लेकर जानी है, और उसके साथ सॉक्स भी बच्चे की लेकर जानी है। ये जो पेरेंट्स को ये वाली लाइन है इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें जो कैंडिडेट है उनके पेरेंट्स को उनके साथ लेकर जानी है। तो इसमें की शॉर्ट्स है, निक्कर है, टी शर्ट है, पीटी शूज है विद सॉक्स है, तो ये जो मेन चीज है कैंडिडेट की वहां पर आपको लेकर जानी है। और साथ ही आप टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये स्कूल है अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखता है, अगर जो कोई बच्चा लेट होता है तो उसको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर जो बच्चे फिजिकल टेस्ट को क्लियर करेंगे उन्हीं को यहाँ पर जो रिटर्न टेस्ट है उसके लिए कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पर पहले जो बच्चों का स्पोर्ट्स टेस्ट लिया जाता है तो उसके बाद बच्चों को रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अब रिटर्न टेस्ट में क्या होने वाला है, रिटर्न टेस्ट में आपके 4 ही सब्जेक्ट आने वाले हैं, मैं आपको यहाँ पर चेक करके बता देता हूँ। जैसे तो आप देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर क्या क्या होने वाला है, ये सब चीजें यहाँ पर लिखी है। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर ये सब चीजें जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सब कुछ चीजें आप डाउनलोड आराम से कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का नॉर्म्स है, ये सब चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और ये जितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, टोटल जितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस बार अप्लाई किया है, तो मैं इसके सबसे लास्ट पेज पर आपको दिखा देता हूँ। तो टोटल जो हमारे पास आए हैं ये 1289 इतने कैंडिडेट ने इस बार अप्लाई किया है। तो यहाँ पर सैंपल पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सैंपल पेपर है, इसके अंदर हिंदी आपको आती है 30 नंबर की, इंग्लिश 30 नंबर की आती है, मैथमेटिक 30 नंबर का आता है, और जो आपका एक रहता है मेंटल एबिलिटी आपके 10 मार्क्स की आती है। तो ये सब चीज़ें आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस यहाँ पर एडमिशन के कॉलन पर जाएंगे और यहाँ पर आप प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, सैंपल पेपर भी और फिजिकल पैरामीटर भी जो हमने भी आपको दिखाया था, और साथ में कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया, ये सब कुछ आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। इस स्कूल की जो डिटेल वीडियो है मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ, 1 या 2 दिन के अंदर मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, कैसे यहाँ एडमिशन होगा, कौन कौन बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सब कुछ उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी वैल्यूएबल जो आपके बच्चों का भविष्य बना सकती हैं ऐसी वीडियो आपको समय पर प्राप्त हों। अगर जो आपको ऐसी वीडियो समय पर प्राप्त होंगी तो आपके पास प्रॉपर समय होगा अपने बच्चे के करियर के लिए सोचने का। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, आगे भी इस तरह की वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इंडियन डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।